हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? अभी हम जा रहे हैं आरडीसी के पहले कैंप में और वो जो हो रहा है जोधपुर, और ये हमारे फ्रेंड लोग हैं और अभी हम सामान वामान रख रहे हैं और आधे कैडेट्स हैं वो उधर चले गए हैं उस प्लेटफॉर्म पे, तो अभी वो यहाँ पे आएंगे। तो यही बता रहा था मैं, और ये हमारे सीनियर साहब हैं और बाकी सारे कैडेट्स हैं। अभी हम जाएंगे सफ़र करेंगे यहाँ से फलोदी तक, और फिर फलोदी से हम जाएंगे जोधपुर, और उसके बाद तो आपको पता ही है कैंप स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद क्या कहते हैं कांस्य पदक शुरू होगा, फिर सिल्वर मेडल में आएंगे, फिर पूरा गोल्ड मेडल ले जाएंगे। यही होता आया है हमेशा। बाकी सारे कैडेट्स आ रहे हैं, तो गुड मॉर्निंग। अभी तो मैं बैठने जा रहा हूँ और सामान वामान रखना, बहुत मेरा सामान सबसे भारी है। ये दो बड़े थैले मेरे ही हैं, सारे मेरे जो भाई बंधु उन्होंने अपने अपने ले लिए हैं, मेरा ही नहीं लिया, मेरे को ही ले जाना पड़ेगा। कोई किसी का दर्द तो समझ नहीं सकता। दोस्तों अभी हमने सिर्फ सामान रखा है यहाँ पे, और ये बाकी सारे कैडेट्स हैं वो पीछे आ रहे हैं, वो भी अपना सामान रखेंगे। और अभी मुझे क्या कहते हैं रखवाली के लिए जाना पड़ेगा। और बाकी सारे भी कैडेट्स आ रहे हैं, और ये बाकी कैडेट्स भी आ रहे हैं, और ये हमारे सीनियर साहब है। हाँ, ब्लॉग बना रहे हो। ये हमारे भाई लोग हैं, ये और ये सर हैं, ये हमारे सीनियर कैडेट हैं। ये हमारे भाई लोग आ चुके हैं, ये भैया थैंक यू, और ये गर्ल्स कैडेट्स आ रहे हैं, और ये हमारे सीनियर कैडेट्स, और एक अब ये सरदार जी आने वाले हैं। अरे अब कर, अब ये सारे इधर गर्ल्स कैडेट हैं, इधर बॉयज कैडेट हैं, ये बच्चन कुमार साहब, ये हमारे भाई लोग हैं, और ये ट्रेन प्लेटफॉर्म से जाएगी अब थोड़ी देर में, बाकी सारे खड़े हैं। और ये दूसरी बोगी है, इसमें भी कैडेट्स बैठने वाले हैं, तो फौजी भाई बैठेंगे। ये बाकी सारे कैंडिडेट्स जो बाहर खड़े हैं, और ये हमारे सर सारे। तो हेलो भाइयों, अभी ट्रेन शुरू हो चुकी है और सफ़र शुरू हो चुका है, सफ़र सुहाना और हम मस्ताने सारे बेटन फूड सारे हैं। यार तो हेलो दोस्तों, अभी सफर में अभी हम लोगों ने नाश्ता किया है, और अभी हम कल्चर की तैयारी करेंगे। कुछ कैडेट्स वहाँ बैठे हैं, कुछ कैडेट्स बैठे हैं और कल्चर की प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमारे जो सुबह है हमारा साथ है, ये जो हल्का हल्का दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं फलोदी के स्टेशन पर, और सारे कैडेट्स हैं तो फलोदी के स्टेशन से बाहर जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम जोधपुर की जर्नी आगे से किसी बस के थ्रू शुरू करेंगे, चलते हैं। दोस्तों हम स्टेशन से बाहर आ चुके हैं, मतलब क्या करें, बस का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, तो सारे यहाँ पे खड़े हैं।
देखते हैं। अब यहाँ से हमारा जो सफ़र है वो सैतरावा के लिए स्टार्ट होगा, अभी हम जाएंगे सैतरावा, देखते हैं क्या बंदोबस्त होते हैं हमारे। हेलो दोस्तों, अभी हम बीकानेर से जर्नी कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं सैतरावा। अब हमें ये गाड़ी मिली है, हमने दो गाड़ियाँ बुक की थी, एक जीप है और एक क्रूजर है, और ये सारे मस्ती कर रहे हैं मेरे फ्रेंड। सारे आर्टी के लिए बहुत एक्साइटमेंट से बैठे हैं, बहुत मजे से जा रहे हैं, भगवान करें हम सबके आर्टी के लिए हो जाए। तो हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं अभी अपने कैंप के सेंटर पे, और ये सारे मेरे बंदे हैं, मेरे कैंडिडेट्स हैं जो मेरे साथ में हैं। और अभी क्या है कि हमारी एक गाड़ी है वो तो आ गई, और जो गर्ल्स कैंडिडेट की और जो बाकी सारे बॉयज़ हैं वो सारे पीछे वाली गाड़ी में, और वो भी आ रहे हैं उस जीप के अंदर, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, ठीक है। और ये सबसे फनी मोमेंट्स के कैंडिडेट हैं, हर टाइम मजा करते रहते हैं। ये देखो, और बिल्कुल, ये बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं। और ये हमारा सेंटर है पीछे, सही बोल रही है। और ये पीछे उनका मंदिर है, और हम यहीं पे अभी स्टे करने वाले हैं, और 29 से 5 तक तो यही स्टे होगा। और ये बाकी वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी भी है, गाड़ी आ चुकी है, अभी हम सामान वगैरह उतारेंगे अपना अपना और सारे अंदर चलेंगे सेंटर में, उसका भी मैं थोड़ा नजरिया बता दूंगा आप सबको। तो उस टाइम जो हो रहा था मैं आपको बता नहीं पाया, उस टाइम फोन अलाउड नहीं थे, यहाँ पे रूल और रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, और आखिरकार मेरे रूम में अलर्ट हो चुका है। तो अभी ये सारे हमारे कैंडिडेट्स हैं मेरे साथ में, पता नहीं ये एक्साइटमेंट में पूरे के पूरे थोड़ा अंधेरे हो, बाकी सब बेटर है। अभी हम जाएंगे खाना खाने सबसे पहले, तो सबसे पहले हमारी एंट्री हुई, एंट्री करवा के रूम अलर्ट हो चुका है, रूम प्रोवाइड कर देंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, तो आप सब कैसे हैं। कल हमारा फ़ोन मेरा पूरे दिन ऑफ था, तो मैं व्लॉग बना नहीं पाया, वो अब क्या है हम व्लॉग बना रहे हैं। और अभी हम हमारी सीईओ साहब के सामने रिपोर्टिंग है, पहले हम पीटी करने के लिए गए थे, फिर ब्रेकफास्ट किया, और रियली अभी तक मैंने स्नान नहीं किया, अभी करूँगा। और ये बाकी सब हमारे फ्रेंड हैं, ये तैयार हो रहे हैं अभी तक, अभी हम 5 मिनट के अंदर रिपोर्ट करने जा रहे हैं, तो आगे आगे मैं आपको बताऊंगा। अब मैं एक दिन एक ब्लॉग नहीं बना सकता, अब मुझे पूरे कैंप का एक ही ब्लॉग बनाना पड़ेगा, तो धीरे धीरे मैं पार्ट में भेज दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर बाद में दोस्तों। तो अब कैसे हैं आप सब, मैं सुबह से ड्रिल वगैरह कर रहा था तो पूरा थक गया, अभी मैंने वर्दी वगैरह खोली है, अभी हम बस बाकी सारे बंदे सो गए थे, यार ये म्यूज़िक प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं भी इसके साथ करता हूँ, ये सारे सो रहे हैं, और अभी जा रहा हूँ दूसरों की क्लास में, वैसे जाना लोग नहीं, अभी मैं कुछ आपको एक नया दिखाता हूँ। ये जो बाकी सारे हैं वो फिल्म देख रहे हैं वहाँ पे, वो देखो वो स्क्रीन दिख रही है आपको, ओके अपन अभी वापस चलते हैं। ये हमारा ग्राउंड है ड्रिल का, हम ग्राउंड में ड्रिल करते हैं, बहुत रात हो गई, और वहाँ पर भी मैं आपको सही से दिखा नहीं पाया, अगर सुबह टाइम मिला तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और अभी के लिए तो मैं सो रहा हूँ, और अभी मैं ड्रिल प्रैक्टिस हो रही है, तो अब थोड़ा सा बच्चों के साथ आऊँगा, और कुछ दिखा तो 2 मिनट रुकूँगा। ये कुछ मेरे फ्रेंड है जो ये कल्चर की तैयारी कर रहे हैं, और मैं भी इनके साथ अभी तैयारी करने में लग जाऊँगा। तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब, अभी हमारी ड्यूटी लगी है, रात के 2:30 बजे हैं, और अभी मैं ड्यूटी में हूँ, सभी फील्ड क्राफ्ट में हूँ और गेट के ऊपर हूँ, और मैं दिखाता हूँ आसपास का एरिया, अंधेरे से भरा हुआ, शांत और सुसीम। ये दोस्तों, अभी बहुत है गेट पे अंधेरा, और अभी हम बैठे तो हैं, पहले मैं खड़ा था और खड़े खड़े में थक गया, मेरे पूरे अंधेरे से भरा हुआ है, क्योंकि अभी रात हो चुकी है और लाइटें चल रही है सिर्फ। हेलो दोस्तों, तो अब हमारी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है, और अभी भी अंधेरा है, 2-2, 3-3 घंटे की ड्यूटी लगती है, और अभी सर्दी बहुत है, और इसे तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर के पास ही पेट्रोल पंप है, और आगे तो बहुत सारे पेड़ लगे हैं, हम तो जा रहे हैं, तो अभी ठंड लग रही है, ओके अभी तो हम जाएंगे बिस्तर में।